स्कॉलर चॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव 6 के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रेडियोएक्टिव 6 के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी ने कई प्रयोगों द्वारा बताया कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, घटने की दर उसमें उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। और जब ये चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा, जहां लैम्डा एक नियतांक है, इसे क्षय नियतांक कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। ये डी एन इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डी टी, तो डी एन बाई डी एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, इंटीग्रेशन करने पर ये डी एन अपॉन एन का आ जाएगा लॉग ई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी का टी प्लस कुछ भी कांस्टेंट, ये क्या है नियतांक, इक्वेशन फर्स्ट। जब प्रारंभ में t बराबर जीरो था तो n, सपोज दैट n नॉट था, सबसे पहले जब समय जीरो था तो n की वैल्यू n नॉट थी। तो अगर हम समीकरण एक में देखें जाकर तो log e n नॉट बराबर c, c का मान समीकरण एक में रखने पर, जब c की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो log e n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस log e n नॉट, log e n ये इधर है, log e n नॉट बराबर माइनस लैम्डा t, log m माइनस log n, तो log m बटे n इक्वल टू माइनस लैम्डा t, तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t, तो n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। यही रेडियोएक्टिव 6 के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है।